फाइनली वी रीच चौरास्ता। यहाँ को चौरास्ता एरिया पड़ता है पूरा, अल्टीमेट व्यू है भाई यहाँ का। यहाँ को डार्जिलिंग का हब हो गया, जो बोलते ना हब एरिया, ये हब एरिया। ओके, यहाँ से रास्ता होता है चालू दार्जिलिंग का, बट दिखा रहा है 69 किलोमीटर, बट मैप दिखा रहा है 55 किलोमीटर। एंड यहाँ से दो रास्ते गए हुए हैं दार्जिलिंग के लिए, एक लेफ्ट गया है एक राइट गया है। तो भैया अभी बहुत जोर की ठंडी गिर रही है, हम यहाँ दार्जिलिंग से आपको 15-16 किलोमीटर पीछे हैं। तो यहाँ से व्यू देखना को चालू हो गया, नीचे में खाई है, ऊपर माउंटेन है। तो फेस आपके सामने पहाड़ों की मलिका। तो अभी जहाँ खड़े हैं आपको सिलीगुड़ी दूरी पड़ता है 30 किलोमीटर, अजय का नाम है कुसियोंग, अल्टीमेट व्यू यहाँ पर। नीचे खाड़ी है, जहाँ से हल्का से पैर नीचे गया, ये पैर नीचे गया तो आप गए नीचे, फिर हड्डी मिलना मुश्किल है यहाँ पे। तो फिलहाल का अपडेट है, हम रुके हैं मैगी खाने के लिए। जहाँ मैं रुका था लास्ट टाइम दीदी का शॉप रुका था खाने के लिए मैगी। तो भैया अपना मैगी आ चुका है, अभी हम बादलों में चल रहे हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू चैनल है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। एंड वेट इन क्लिक कर, मॉर्निंग फ्रॉम सिलीगुड़ी। जी हाँ, अभी हम राइड स्टार्ट कर रहे हैं दार्जिलिंग के लिए। अभी हम जा रहे हैं दार्जिलिंग, पहाड़ों के गोद में जा रहे हैं, क्योंकि हम दो दिन से एक दिन भूटान गए, एक दिन बांग्लादेश गए, एंड थर्ड डे जो हमारा जा रहे हैं दार्जिलिंग, जिसको बोलते हैं पहाड़ों की मलिका, वहां जा रहे हैं। तो आज वीडियो में वही बताने वाला हूं मैं। वैसे आपको सिलीगुड़ी से दूरी दिखा रही है 70 किलोमीटर, तो अभी निकल रहा राइड पर। सैफ अली खान रेडी हो रहा है, पर बैग पूरा पैक कर रहा है, मैंने भी जैकेट पहन लिया क्योंकि ऊपर वो ठंडी है भैया, दबा के ठंडी गिर रही है ऊपर में। तो अपन चलते हैं राइड पर, अब आज करते हैं एक्सप्लोर दार्जिलिंग के बारे में। चलेंगे टी गार्डन, जहां रुक जाएगा टी गार्डन, एंड माउंटेन का व्यू दिखाऊंगा। तो स्पेशली जान लो दार्जिलिंग में है क्या, दार्जिलिंग क्यों फेमस है भाई। एक्चुअली दार्जिलिंग फेमस है आपको माउंटेन के लिए, उसको बोलते हैं मजी, पहाड़ों की मलिका, इसलिए फेमस है। बस जो रास्ते का व्यू है वो बड़ा मस्त है भाई, अल्टीमेट व्यू है, पैसा वसूल ट्रिप होता है वो। बाकी में ऊपर में दार्जिलिंग सिटी ही पड़ता है आपको, सिटी में कुछ खास है नहीं, नॉर्मल सिटी है, बट जो व्यू जो है उसी का पैसा वसूल ट्रिप है। तब पूरा आपको व्यू करूंगा एक्सप्लोर रास्ते में, बने रहो वीडियो में। बाकी मिलते हैं मोटो ब्लॉग पर। जय भोले बाबा, भोले बाबा का नाम लेके राइड को करते हैं स्टार्ट, जय शंभू। सो मॉर्निंग फ्रॉम सिलीगुड़ी, ये आपको सिलीगुड़ी का मार्केट हो गया, लेफ्ट देखो राइट देख लो। तो अभी हम निकल रहे हैं दार्जिलिंग टूर के लिए, जिसको बोलते हैं क्वीन ऑफ द हिल, पहाड़ों की मलिका। तो मैप दिखा रहे हैं भैया लगेंगे 2:30 मैप दिखा रहा है, एंड दूरी बाकी है 65 किलोमीटर। बट हम साइड सीन लेते जाएंगे, एग्जांपल दे देता हूँ आपको, पहले फोटो क्लिक करवाएंगे फिर साइड सीन लेंगे, एंड आपको व्यू दिखाते जाऊंगा पूरा मैं, इसलिए हमें लेट हो सकता है, 3-4 घंटे लगेंगे पहुँचने में, देखो कितना टाइम कवर होता है अब। तो बाकी आपको दूंगा रास्ते में जाके चलते हुए अपडेट। पहले गाड़ी में तेल भी नहीं है, अपन गाड़ी में तेल भी लेंगे, तेल है नहीं अपने पास गाड़ी में, तो तेल लेना है, पहले टंकी फुल करवाना है, रास्ते में कहीं मिल जाए टंकी, पेट्रोल टंकी, तो पहले फुल करवाते हैं। एंड आगे आपको आ गया दार्जिलिंग मोड़ आने वाला है, लेफ्ट लेना है हमें आगे जाके, एंड राइट लेना है, उसको बोलते हैं दार्जिलिंग मोड़। एक्चुअली नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ से दार्जिलिंग का रास्ता गया हुआ है। सिलीगुड़ी फेमस क्यों है, दार्जिलिंग के वजह से ही फेमस है सिलीगुड़ी एक्चुअली में। तो दार्जिलिंग मोड़ से होते निकलेंगे हम आज, निकलने में काफ़ी लेट हो गया, लेट नहीं हुआ, हम टाइम से निकले हैं। अभी आपको टाइम बज रहा है 11:48, आराम से घूम फिर के आएंगे, अपने पास पूरा दिन आज है, कोई काम नहीं है, क्योंकि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, वीडियो एडिट भी कर लिया, अपलोड भी कर दिया सारा कुछ, तब कोई काम नहीं है अपने पास। गंदा वाला जाम लगा हुआ है वो मोड़ की वजह से, ये गंदा वाला जाम लगता है यहाँ पर। हट जाइए मैडम। तो ये हो गया आपको दार्जिलिंग मोड़, अगर लेफ्ट चल जाओगे सीधे चल जाओगे बाग डोगरा, अगर राइट ले लिए चल जाओगे दार्जिलिंग। तो अपन ले रहे हैं राइट, क्योंकि यहाँ से रास्ता होता है चालू दार्जिलिंग का, बट दिखा रहा है 69 किलोमीटर, बट मैप दिखा रहा है 55 किलोमीटर। एंड यहाँ से दो रास्ते गए हुए हैं दार्जिलिंग के लिए, एक लेफ्ट गया है एक राइट गया है।
पिछली बार मैं राइट से गया था, इस बार जा रहा हूँ लेफ्ट से। ये आपको आर्मी कैंप होते निकालेगा, एक रास्ता ये भी गया हुआ है, ये गया हुआ है, दो रास्ते गए हुए यहाँ से दार्जिलिंग के लिए। ज़्यादातर बड़ी गाड़ी इसी से जाती है, उस वाले से बहुत कम। उसका लंबा पड़ता है या छोटा पड़ता है, बट साइड सीन व्यू वहाँ पर ज़्यादा है, बट उसका रोड ख़राब हल्का है, इसका रोड अच्छा है। यहाँ भी व्यू अल्टीमेट व्यू है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो ये छोटा मोटा आपको सिलीगुड़ी के अंदर ही आता है, ये पूरा ये एरिया आपको आता है आर्मी कैंप के अंदर आता है, क्योंकि आर्मी कैंप आने ही वाला है। मज़ा तो भाई अभी से आने लगा, अल्टीमेट व्यू का पूरा जंगल है, जंगल है, ये बड़े बड़े पेड़, और गाड़ी भागती है भाई हिमालयन, इसकी तो बात ही अलग है। ये हो गया आपको चेक पॉइंट मिंडाजिन जाने का, यहाँ से आपको रास्ता कटा हुआ राइट साइड है, यहाँ बड़ी गाड़ी चेक होती है, छोटी गाड़ी नहीं बड़ी गाड़ी, अपना बाइक भी चेक नहीं होगा। एंड यहाँ से वो रास्ता किया हुआ है राइट साइड दार्जिलिंग, तो चलते हैं पहाड़ों के शहर में। तो यहाँ से आपको व्यू देखना पूरा स्टार्ट हो गया, लेफ्ट देख लो राइट देख लो, माउंटेन का व्यू, ट्रैकिंग एरिया चालू हो गया यहाँ से। क्या अल्टीमेट नज़ारा है भाई, ऊपर देखो, हमें ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, ऊपर में, यहाँ से दिखा रहा है 45 किलोमीटर और है, मिस दार्जिलिंग सिटी। तो अभी हमें स्टे किया एक जगह, ये माउंटेन नीचे ही है जहाँ से ट्रैकिंग एरिया चालू है, देखो वो यहाँ से आपको रोड गया हुआ है, ट्रैकिंग एरिया है, तो इस साइड आपको सिलीगुड़ी है, बट कुछ देर में स्टे किए हैं सीन के लिए, सैफली बोला फोटो क्लिक करना है मुझे, अपना हिमालयन देखो, बाइक देखो, एंड वो देखो, हमें उस छोर पर जाना है, उससे भी ऊपर जाना है, वो सिटी है, उससे भी ऊपर जाना है, कैमरे में पूरा नहीं आ रहा वो क्लीन, बट हमें उससे ऊपर जाना है। एंड यहाँ से आपको मैप दिखा रहा है कि लगेंगे भैया 2 घंटे, और पूरा ऊपर में बादल पूरा पहाड़ में अटका हुआ है, जितने भी काले बादल हैं सारे पहाड़ में आकर अटके हुए हैं, मे बी ऊपर हमें बारिश से मिल सकता है, कोई उसका तय ठिकाना नहीं है। भैया अपना इंडिया का झंडा ऊंचा रहे हमेशा हमारा। अपन निकलते हैं राइट पर, लिखा हुआ भैया वेलकम टू दार्जिलिंग, मीन्स यहाँ से आपको हीलिंग एरिया चालू हो गया, तो आउट है या इन है, मैं बाइक का तो कुछ लगना चाहिए नहीं। तो फेस आपके सामने पहाड़ों की मलिका दार्जिलिंग, अभी पहुंचे नहीं है, अभी हमने ट्रैकिंग चालू ही किया है जैसे भी, अब व्यू का मजा अल्टीमेट आने लगा भैया। एक्चुअली हम दार्जिलिंग फेमस क्यों है, फेमस इसलिए क्वीन ऑफ द हिल मीन्स पहाड़ों की मलिका, बाकी जो आपको साइड सीन देखने को मिलेगा और कुछ ही नहीं, यहाँ पर ऊपर मार्केट है, उतना कुछ खास नहीं है, मार्केट नॉर्मल जो मार्केट होता है हर जगह हर सिटी में ऐसा मार्केट है दार्जिलिंग का ऊपर में, बट जो अल्टीमेट सीन जो है आपको माउंटेन का व्यू कहीं मिलेगा, तो इधर देख लो खाड़ी देख लो, देख रहे हो खाड़ी, इसी का पैसा होता है बस ट्रिप का, बट लोग आते हैं बस साइड सीन देखने के लिए आते हैं यहाँ पर, तो कुछ खास है नहीं यहाँ पर दार्जिलिंग में, बट कुछ भी बोलो भाई मज़ा तो अभी से आने लगा मेरे को। एंड ऊपर में चाय का खेती भी होता है, और दार्जिलिंग आना है तो अपने बाइक से आओ, उसका अलग ही मज़ा है, बाइक का ट्रेवलिंग का अलग ही मज़ा है, पूरा पहली बात तो पूरा साइड सीन व्यू रखेगा, अब मन करे जहाँ वहाँ रोक दो, और कार नहीं रुक पाओगे, मान लो पहाड़ में कार कहाँ रुकोगे, जाम लग जाएगा, बट बाइक तुम रोक सकते हो, तो बाइक का ये मज़ा अलग है।
तो यहाँ से व्यू देखना को चालू हो गया, नीचे में खाई है, ऊपर माउंटेन माउंटेन है, बस चलते जाओ चलते जाओ। तो और यहाँ तक वो दिखा रहा दार्जिलिंग 40 किलोमीटर, मीन्स 40 किलोमीटर मुझे और ऊपर जाना है, तो माउंटेन पर जाना है, ना कि समतल ज़मीन है, माउंटेन पर जाना है, बस चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ। ठंड लग रही है भाई ऊपर में। तो अभी जहाँ खड़े हैं आपको सिलीगुड़ी की दूरी पड़ता है 30 किलोमीटर, अजय का नाम है कुशियोंग, अल्टीमेट व्यू यहाँ पर, व्यू देखो व्यू चेक करो, व्यू पीछे पूरा माउंटेन है, खाड़ी है नीचे में, नीचे में पूरा खाड़ी है, जहाँ तक उठा लो नजर बस खाड़ी ही खाड़ी दिखेगा आपको। देखो वो रोड आ रहा है, नीचे से रोड आ रहा है, ऐसे 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 आए और फिर पहाड़ी ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, ऐसे 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 ऐसे। ये अपनी खड़ी है ब्लैक पैंथर, इधर देखो यहाँ पर टी का खेती किया हुआ है, यहाँ पर चाय की खेती किया हुआ है, नीचे में पहाड़ी के ऊपर चाय की खेती किया हुआ है। तो ये आपको पड़ता है सिलीगुड़ी से 30 किलोमीटर, एंड दार्जिलिंग से पड़ता है आपको, मतलब पीछे पड़ता है दार्जिलिंग से ये 35 किलोमीटर, तो यहाँ से दूरी बाकी है दार्जिलिंग की 35 किलोमीटर। तो अब निकलेंगे राइट पर, निकलते चलते हैं दार्जिलिंग, एंड वेदर भी कुछ खास नहीं है, ऊपर पूरा ठंडा लग रहा है, दवा का लग रही, ठंडी लग रही है ऊपर, और व्यू देख रहे ऊपर का नज़ारा एकदम पूरा कितना मस्त नज़ारा है। तो भैया इसी को बोलते हैं पैसा वसूल ट्रिप है ये। तो अब निकलते हैं राइट पर, बाकी आपको रास्ते में दूंगा अपडेट। तो अभी जहाँ रुके हुए थे एक सिटी का नाम, छोटा सिटी था, ऊपर में सिटी है नीचे में नहीं है, वो सिटी वो है, तो यहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ है, और यहाँ का व्यू अल्टीमेट है, यहाँ फोटो व्यू पॉइंट बोलते हैं उसको, बोलते हैं इसको, हम बोल सकते हैं व्यू पॉइंट। जो भी लोग आते हैं यहाँ से क्रॉस करते हैं, यहाँ एक पर पक्का रुकते हैं, यानी आप फोटो क्लिक कराते हैं तब निकलते हैं, जैसे हम भी रुके थे और हम निकल रहे, ऊपर निकल रहे हैं दार्जिलिंग की तरफ। और देखो एक चीज़ और है, पहाड़ी में खेती किया हुआ है चाय का, देखो चाय का पूरा खेती किया हुआ, चाय किया हुआ, जहाँ तक उठा लो नज़र आपको चाय का खेती दिखाई देगा यहाँ से, एंड ऊपर आपको माउंटेन का व्यू है, नीचे खाड़ी है, जहाँ से यहाँ से हल्का से पैर नीचे गया, ये पैर नीचे गया तो आप गए नीचे, फिर हड्डी मिलना मुश्किल है यहाँ से। तो इधर तो जैसे और गंदा वाला खाई है इधर, तो इस साइड तो कुछ कहना ही नहीं है। अब निकलते हैं राइट पर, चलते हैं ऊपर दार्जिलिंग की तरफ, चलें। तो चलते हैं पहाड़ियों के शहर में, मीन्स क्वीन ऑफ द हिल, पहाड़ों की मलिका। तो पूरे पहाड़ी पे खेती किया हुआ है चाय का, तो सामने से गुजर रहा हूँ, गुजर रहा चाय का खेती है पूरा इधर। इस व्यू को ना मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, इसका आने पर आपको मजा मिलेगा, अल्टीमेट जो है सीन है, इसका पैसा वसूल ट्रिप बोल सकते हैं हम। जब भी कभी दार्जिलिंग आओगे तो भैया इसी व्यू के लिए आप आते हो, ना कि सिटी घूमने के लिए, सिटी में कुछ खास होता नहीं है, वो छोटे मोटे दुकान होते हैं, बट जो व्यू है जब आप स्टार्ट करोगे राइड करोगे स्टार्ट सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के लिए, उसका जो व्यू है अल्टीमेट व्यू है भैया, इसी का पैसा वसूल ट्रिप होता है, कुछ खास होता नहीं है। अरे नीचे पूरा गर्मी था, ऊपर पूरा ठंडा है, मुझे ठंड लग रही है, जबकि मैंने जैकेट पहना हुआ है, इसके अंदर इनर पहना हुआ है, तब भी। अभी हम बादलों में चल रहे हैं, ना कि यह ओस है, यह बादल है, आया कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा क्लियर। ठंड तो भैया इतनी जोर के ठंडी लग रही है कि उसका अंत नहीं है कोई, जबकि मैंने 5-6 जैकेट पहना हुआ तब भी। तो इसको बोलते हैं भाई व्यू, क्या व्यू, क्या नजारा है। नीचे पूरा गर्मी था सिलीगुड़ी में, और ऊपर पूरा ठंड गिर रही दबा के, तो इसको ना व्यू बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्टीमेट भी बोलते हैं, पैसा वसूल ट्रिप। वो नीचे पूरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि नीचे में टी गार्डन है, मैं आया था लास्ट टाइम आया था तो नीचे पर टी गार्डन है, ज़्यादा दूर बाकी नहीं है, यहाँ से मुश्किल होगा 20 किलोमीटर और दार्जिलिंग। इससे पहले का स्टेशन आएगा, इसको बोलते हैं गुम स्टेशन, गुम रेलवे स्टेशन, मीन्स वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है वो गुम रेलवे स्टेशन। तो मैंने ब्लॉग में दिखाया है पिछले ब्लॉग में, बट इस वाले में भी दिखा दूंगा। तो फिलहाल का अपडेट है, हम रुके हैं मैगी खाने के लिए, जहाँ मैं रुका था लास्ट टाइम दीदी का शॉप रुका था हम खाने के लिए मैगी, ये अपनी खड़ी है ब्लैक पैंथर, और ऊपर भाई ठंडी दबा के ठंडी गिर रही है, इतना ठंडी गिर के मत पूछो, नीचे में पूरा गर्मी था, ऊपर में ठंडी है भैया, गंदा वाला ठंडी गिर रहा था, मैं आया था चेक करता हाथ आगे, इतना ठंडा गिर रहा है, ठंडा के मत पूछो।
बर्फ गिरने वाला है। हाँ बर्फ गिरने वाला है, फील हो रहा है भैया बर्फ गिर रहा है यहाँ पे देखो गर्मी से हालत खराब कर दी है। तो अभी मैंने मैगी दो ऑर्डर किया, दीदी मैगी बना रही है बैठ के। हाय दीदी, वेलकम, थैंक यू, थैंक यू। तो अभी अपन मैगी खाएंगे देर निकलेंगे, ठंडी बहुत जवाब है और तो भूख भी लगी है भाई, कुछ खाया भी नहीं है मैंने, कुछ किया भी नहीं ब्रेकफास्ट। तो सैप को लग रही ठंडी है, सैप भाई हाथ सेक रहा अपन बैठ गए। तो कुछ अच्छा फील हो रहा है कि एक्चुअली पहाड़ों का तो बात ही अलग होते हैं, पहाड़ में आने का बात ही अलग है। पहाड़ का भाई शांति चाहिए आपको तो पहाड़ों में आओ, तभी शांति मिलेगी। तो भैया अभी बहुत जोर की ठंडी गिर रही है, हम यहाँ दार्जिलिंग से आपको 15-16 किलोमीटर पीछे हैं। तो हम अभी खाने रुके हैं मैगी खाने, कहाँ रुके भैया, तो जहाँ रुके थे लास्ट टाइम दीदी के शॉप में वहीं रुके हैं। अब पीछे देखो ये सब बादल आ रहे हैं, ये सब जो भी है बादल है, नीचे इतनी ठंडी लग रही है कि मत पूछो हाथ कप रहा है, ठंडी ठंडी। अभी हमने ऑर्डर किया चाय एंड मैगी, तो भैया अपने बॉडी को करना गर्म, तो इसलिए हम चाय पियेंगे और मैगी खाएंगे साथ में। कुछ खाया भी नहीं हमने लिए और अपनी खड़ी ब्लैक पैंथर है बाहर में। तो एक्चुअली मैं दार्जिलिंग घूमने का टाइम है आपको फेब से मार्च, अभी महीना फेब ही चल रहा है, एक्चुअली चलता वही रहा है, ठंडी बहुत जोर की गिर रही है। तब आओ जब भी आना आपको तो मार्च में आओ, तब अच्छा रहेगा, मौसम क्लियर रहेगा, आप सनराइज देख सकते हो, बट अभी कुछ नहीं देख सकते, नहीं कुछ नहीं, अभी तो पूरा इतना गंदा ठंडी गिर रहा है कहीं साफ ही नहीं है। तो अपन अभी ट्राई कर रहे हैं कद्दू का चिप्स है, किसका भैया, लौकी का चिप्स है, लौकी का देखो कद्दू का, दीदी बोली बहुत स्पाइसी है, ये कद्दू का चिप्स है, ये लोकल प्रोडक्ट्स, तो लोकल है, अच्छा है, काफी यम्मी लग रहा है, टेस्टी आता है, बहुत टेस्टी है। यहाँ कद्दू का भी है, मकई का भी चिप्स है, सोच लो ये सब लोकल चीज यहाँ का है। तो भैया अपना मैगी आ चुका है, ये वाई वाई है, वाई वाई है ना, वाई वाई। तो ये अपना आ चुका है वाई वाई, वाई वाई ये मैगी का ही रूप है। तो अपन खाते हैं और बताते हैं कैसा टेस्ट इसका है, ट्राई कीजिए एक बार। पहले मम्मी ने पम पानी ले पंगा जैसे वाह, अल्टीमेट टेस्ट है, मजा आ गया खा के। ये तो मैगी अच्छा ज्यादा अच्छा लग रहा है खाने मेरे को, ये बहुत यम्मी है। ओहो ट्राई कर एक बार, खा के जल्दी बता कैसा लग रहा है, अच्छा लगा। तो ये भाई है, अब ये खा के अब निकलेंगे राइट पर। तो भैया आप चलते हैं दार्जिलिंग के राइट पर, बाय। तो खाना पीना तो हमारा हो गया, दीदी मैगी बड़ा टेस्टी बनाती है, उसका नाम था यो यो, वो आपको रूप था मैगी का ही, उसका नाम था यो यो। ठंड तो जबरदस्त लग रही है कि मत पूछो मत। और अगला स्टॉप लेंगे आपको वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे स्टेशन गुम, जो पड़ता है दार्जिलिंग में, अगला स्टॉप वहां लेने वाले हम, जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई पर रेलवे स्टेशन है वो हमारे इंडिया में पड़ता है, जिसका नाम है गुम। ये वक्त हमारा एक बार जो जाए तो आए ना दोबारा, वो मेरे यारो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखरी हो। ठंड से भैया हालत खराब है, तो कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं हम वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे स्टेशन गुम, मैं भी उसी का मार्केट रही है, हाँ उसी का मार्केट है। देखो तो नाम लिया और हाजिर हो गया, तो आपके सामने पेश है वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे स्टेशन गुम, इस वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है, मीन्स ऊंचाई पर बसा हुआ है ये, वर्ल्ड का ना कि इंडिया का, जो हमारे इंडिया में पड़ता है। इंडिया में कहाँ पड़ता है, इंडिया में पड़ता है हमारे दार्जिलिंग में, जो बोलते हैं वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे स्टेशन गुम, यही है।
वर्ल्ड हाईएस्ट हिल स्टेशन वो। तो टेस्ट है आपके सामने, क्वीन ऑफ द हिल, पहाड़ों की मलिका, या कोई डार्जिलिंग सिटी पड़ता है। ये डाउन में है, गुम ऊपर में है, नीचे में डाउन में आपको पड़ता है सिटी दार्जिलिंग। तो अभी जहाँ जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं चौरास्ता, जो टूरिस्ट प्लेस है दार्जिलिंग का, वहाँ जा रहे हैं। एंड राइट नाउ अभी हम दार्जिलिंग सिटी के अंदर में है, ये ऊपर है मोनेस्ट्री कोई है। तो फाइनली पहुंच चुके हैं दार्जिलिंग, द क्वीन ऑफ द हिल। अभी हम जा रहे हैं चौरास्ता, वहाँ पार्क है, वहाँ जा रहे हैं करने एक्सप्लोर। एंड नीचे हमने पार्किंग किया है बाइक अपनी, चौरास्ता के नीचे ही है, जिसका फेयर पड़ा है पर घंटा 10 रुपया। तो चलते हैं करते हैं एक्सप्लोर। ये सब आपको पूरे मार्केट है, इतना एरिया दिख रहा है आपको, पूरा मार्केट है। एक बात तो है भैया, यहाँ ठंड दबा के गिर रही है, जो कि अंत नहीं है, हिसाब नहीं है। साहब टोपी निकाला अपना, क्या टोपी पहनना पड़ेगा साला। तो फाइनली वी रीच चौरास्ता, यहाँ को चौरास्ता एरिया पड़ता है, पूरा अल्टीमेट व्यू है भाई यहाँ का। यहाँ को डार्जिलिंग का हब हो गया, तो बोलते ना हब एरिया, ये हब एरिया हो गया। देखो मैं कैमरा देख, देखो इसको बोलते हैं चौरास्ता। दार्जिलिंग आते हो तो यहाँ नहीं आते हो तो दार्जिलिंग कहीं नहीं घूमते हो, इसलिए जब भी दार्जिलिंग आओ यहाँ ही मैं जरूर आओ। आपका चौरास्ता था, दार्जिलिंग का व्यू पॉइंट है जहाँ पर लोग अक्सर आते हैं। यहाँ काफी क्राउड होता है, यहाँ शो हो रहा है, वहाँ पर तो शो भी हो रहा है, शो दिखाता हूँ। सो बताओ गाइस ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, नए वीडियो में नए जगह से आता, तब के लिए बाय।